वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में आज हम बैठे हैं तीन भाइयों के साथ, जिसमें से सबसे पहले जानते हैं भाइयों का परिचय, उसके बाद हम कुछ परिचर्चा करेंगे, वो हम जानेंगे एक दूसरे को, आगे स्वस्थ समृद्ध परिवार में हम किस तरीके से योगदान देंगे और करेंगे, और कुछ चर्चाएं होंगी उनकी समस्याओं के ऊपर भी, और कुछ इनके अनुभव भी मिलेंगे। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपसे परिचय कराता हूँ भाई आर्यन जी का। जी, मेरा नाम आर्यन हुआ, मैं गोरखपुर से हूँ और मैं बड़े भैया को लगभग पिछले 3 या 4 सालों से जान रहा हूँ। और सबसे पहले हम मतलब फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू ही बात होती थी, आज पहली बार हम भी मिले हैं। पर बड़े भैया मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा, इनका जो घरेलू नुस्खा हो या फिर वो होम्योपैथिक दवाइयों का वो मतलब उपचार, दोनों मेरे लिए बहुत काम किया है। पिछले साल का बात बता रहा हूँ, मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब वो पूरा सिम्टम्स कोरोना के थे। उस समय मतलब कि हमें वहाँ पे जाना नहीं था अंग्रेजी दवा में, क्योंकि मालूम था वहाँ लूट चल रहा था गोरखपुर में पूरा इंडिया में लूट चल रहा था। तो हमने बड़े भैया को मैसेज किया कि बड़े भैया ऐसी ऐसी बात है, तो बड़े भैया ने हमें दवा बताया और वो घरेलू नुस्खा भी बताया, नुस्खा जिसका हमने यूज किया, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। हमें भी कभी 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 भी जरूरत होता है ना तो हम अपना बात कर लेते हैं उनसे फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल पे, और बात हो जाती है। उसके बाद तुरंत भैया हमें सोल्यूशन बता देते हैं कैसे, मतलब होम्योपैथ में हमको लेना तो होम्योपैथ में, आयुर्वेद में चाहिए तो आयुर्वेद में, घरेलू नुस्खा हो तो उसमें भी बता देते हैं, जिसका हमें पूरा फायदा मिलता है। ये अभी मेरे भाई हैं, ये भी बता देंगे आपको। मेरा नाम अविनाश है, मैं इनका छोटा भाई हूँ और मेरी मम्मी की बात चल रही है, उनको एकदम कोरोना के सिम्टम्स थे, भैया के बताए हुए हैं होम्योपैथिक दवाएँ और कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे थे जो घर पे ही आपके उपलब्ध थे, आदि और हल्दी वगैरह का कुछ नुस्खे थे बताए हुए थे बड़े भैया ने मम्मी के लिए, और हमें भी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम थी बताते हैं। हाफ चल रहा था, बहुत ज्यादा हुआ है, निमोनिया का सिम्टम्स जैसे होता है वैसा ऑपरेशन होगा। आपने बताया था हल्दी और हल्दी करें उसको क्या बोलते हैं, हींग और अदरक के रस को रखने के लिए हमने 3 बार बस दी, उसका वीडियो भी है जैसा कि भैया बता रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है वो, मतलब कि अलग सब बहुत अजीब रहा हो, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा था। हाँ, तो उसमें मात्र 3 बार नाक बंद हो गया, ना भी फड़क रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ, वीडियो भेजा था तो उसमें बहुत ज़्यादा 3 ही बार। उसी तरीके से एक आपके मेडिकल बेड शेयर का था, बेड शोर वाला आंटी का था, जो बेड शोर मतलब बहुत बड़े, तो मतलब उन लोग इलाज पूछा था आपसे, उन लोग इलाज किया नहीं था, उन लोग मतलब भैया थे जो भी किसी का नहीं हो पाया, तो अंग्रेजी में गया लोग जो बेड शोर हो चुका था, वो पता नहीं चला था कि बेड शोर हो चुका है, तो वहाँ पर कोलकाता में हॉस्पिटल था, हम लोग देखा बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ का, मतलब कोलकाता का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो, तो वहाँ पर हम लोग उनका एडमिट किया गया था, तो बेड शोर लगभग मतलब इतना डीप था पीछे, इतना डीप था। तो हम जब पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे हुआ कि हम बोले कि मतलब बड़े भैया से पूछ लेते हैं इलाज, तो एसोफेटिका चला था और कैंडूला और दवाइयाँ थी जो हमारे टेलीग्राम पे हम आपको भेज देंगे क्या क्या दवाई चली थी उसमें, उसका मतलब लगातार यूज होना शुरू हुआ, तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, और जो ब्लिस्टर हो गए थे छोटे छोटे मतलब बेड एक तरफ था, मतलब दूसरे बेड से मतलब होना शुरू हो गए थे, उनमें भी कैंडूला और एसोफेटिका जो पड़ना शुरू हुआ तो बहुत आराम हुआ, प्लस अश्वगंधा चल रहा था, जिंसिंग चल रहा था, जिससे मतलब हाँ उनमें आ रहा था चेतना जो था ना एकदम अनकॉन्शियस थी उसमें, उनमें चेतना आ रहा था लगातार। फिर बीच में मतलब हम यहाँ चले आए अपने घर पे, मतलब हॉस्टल जाना था मेरे को, फिर हुआ क्या कि मतलब वही अंग्रेजी दवा वगैरह हुआ है, उनको मेन ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, फाइनली उनको तो कार्डियक अरेस्ट हो गया, जिसकी वजह से नहीं बच पाई। जो बेड स्वेर था वो तो पूरी तरह से ठीक हो ही गया था, लेकिन फिर भी जो कहते हैं कि जो कुछ बीच में चिकित्सा परामर्श ना लेने के कारण या पूर्ण रूप से विश्वास ना होने के कारण वो आज हमारे बीच में नहीं है माता जी, लेकिन हम इस बात को जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ उन्हें स्वस्थ
कर तो रही थी या नहीं कर रही थी बाद की बात है, लेकिन बेड स्वेर जो उनके कष्ट था वो खत्म नहीं हो रहा था। जो बेड स्वेर का वो लोग दवा चला रहे थे एलोपैथ में, कोई दवा ही नहीं था, वो सिर्फ ड्रेसिंग कर दे रहे थे। अच्छा, तो दवा चल ही नहीं रहा था बेड स्वेर का, पर्चा वर्चा मेरे पास है, वो सिर्फ बीपी का दे रहे थे, ताकत का दे रहे थे, ब्लड का भी, ब्लड हम बता रहे हैं क्या हो रहा था, ब्लड चेक मतलब कम हो रहा था उनका, ब्लड का दवा वो दे नहीं रहे थे, ब्लड का कोई दवा नहीं चला रहे थे वो, सीधे फिर अगले 3 दिन बाद फिर ब्लड टेस्ट करवा दे रहे थे। अच्छा, ब्लड का दवा चलाने की, तो कहने का मतलब यह है कि मैं आप हम इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम होम्योपैथ के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, रसोई घर के प्रति अगर हम निष्ठा रखें और उसमें नियमित रखें, तो आपकी जो भी चिकित्सा पैथी है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप एलोपैथी चिकित्सा या किसी पैथी की चिकित्सा, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रयास है उन प्रयासों में भी परिणाम अच्छे हैं और समृद्धि का नाश नहीं है। ये बहुत ही कम खर्चे में आने वाली दवाइयां हैं, होम्योपैथ की दवा तो इतनी सस्ती है कि जैसे ड्रेसिंग करने के लिए अगर आप एलोपैथी में जाते हैं तो आपको 100 से 200-500 रुपए तक की ड्रेसिंग एक बार में ली जाती है। उसमें 11,000 रुपया ब्रेड स्वेयर की ड्रेसिंग में 11,000 रुपया, और जबकि वही ड्रेसिंग अगर होम्योपैथ की जो दवाइयां हैं, मदर टिंचर जो भी है, कैंडुला है, हाइपेरिकम है, एस्ट्रोफिलिया है, हेमामेलिस है, कई सारी दवाइयां हैं जो समय स्थिति को देखते हुए इस्तेमाल होती है, तो 100 रुपये में आती है 30 ml, और 10 से 15 बूंदे 20 बूंदे कुछ पानी में, थोड़े से पानी में मिला के उसे ड्रेसिंग की जाती है, तो काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो हमारे मतलब भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद मुझे आज समझ में आया, और 5-6 सालों से ये समझ में आया है कि जो 70% की भारत जनता की आबादी है या पूरे ब्रह्मांड की है, अगर वो किसी पैथी को अफोर्ड कर सकती है तो सबसे सरल पैथी है होम्योपैथी, सबसे मतलब सस्ती। अगर आपको होम्योपैथ की दवा, अगर आप एग्जांपल के तौर पे बुखार की दवा अगर आप चिरायता लेते हैं, एक पैरासीटामोल लेते हैं, तो मेरे ख्याल से 2 रुपये की एक गोली या ऐसे ही कुछ होगा, और चिरायता की 5 से 10 बूंदे आधे कप पानी में मिला के पीते हैं तो आपकी 30 ml की 80-100 रुपये की आती है, और 1 ml में 20 बूंद यानी 600 बूंद, और 10 बूंद ले रहे हैं यानी 60 खुराक, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सस्ती है। और सबसे बड़ी बात है कि होम्योपैथ की जो औषधियाँ हैं या अपनी रसोई घर की जो भी औषधि है, वो सिर्फ एक चीज़ पर काम नहीं करती। अगर आपने अपने रसोई घर की तुलसी को बुखार के लिए इस्तेमाल किया है तो आप ये भूल जाइए कि सिर्फ तुलसी आपके बुखार के लिए काम कर रहा है। तुलसी आपके शरीर में जाने के बाद तुलसी का जो गुण उसके मस्तिष्क में है उसमें काम करेगा, जो उसके लीवर पे काम करना है उसके लिए काम करेगा, जो किडनी पे काम करना है किडनी के लिए काम करेगा, आपके मूत्र रोगों पे काम करना है उस पे भी काम करेगा। यानी कि अगर हम अपने रसोई घर की किसी एक औषधि को अगर हम सेवन करते हैं तो उस औषधि के सारे गुणधर्म हमारे पूरे शरीर के उस पे मिलता है। उसी प्रकार होम्योपैथ में भी हर औषधि का मेंटल सिम्टम मतलब मस्तिष्क पे उसका एक अलग प्रभाव होता है, पेट पे अलग प्रभाव होता है, आंतों पे अलग प्रभाव होता है, फेफड़े पे अलग प्रभाव होता है, मल मूत्र पे अलग प्रभाव होता है, स्किन पे प्रभाव होता है। यानी कि जाने अनजाने अगर आपने होम्योपैथ की औषधियों का सेवन किया तो आप अपने शरीर के उन सभी अंगों पे सुरक्षित कर रहे हैं और उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। ये कुछ बातें थी। अब हम जानते हैं सबसे बड़ी बात बताना भूल गए कि आर्यन भाई जो आए हैं गोरखपुर से आए हैं, गोरखपुर से, और आप जो देख रहे हैं ये स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में रसोई घर भोजनालय ही नहीं ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान, उस अभियान के तहत हमने इस ऑफिस को केंद्र बनाया है। पहला केंद्र है स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो दिल्ली में उत्तम नगर इलाके में श्री नारायण इंटरनेशनल स्कूल, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका मैप आ जाएगा, नक्शा मिल जाएगा, जो रामचंद्र इनक्लेव में है नवादा मेट्रो स्टेशन के पास थोड़ी दूरी पे। तो आप अगर मिलना भी हो पहुंचना हो तो आप श्री नारायण इंटरनेशनल स्कूल आप डालेंगे उत्तम नगर तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और हमें जन जन तक पहुंचाने का, अगर आपके माध्यम से मैं कहूँ कि मेरी विनती है, मेरी इच्छा है, मैं आप लोगों से आशीर्वाद और अनुभव के रूप में यही चाहता हूँ कि आप हमें रसोई घर भोजनालय नहीं ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान में जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। और किस तरीके से मदद कर सकते हैं, सिंपल सा, आपके जीवन में आपके
कभी भी आपके जानकारों के बीच सामाजिक समारोह, किसी भी तरह का सामाजिक समारोह हो रहा है तो आप हमें, जिस तरीके से आज कोई भी सामाजिक समारोह होता है तो एक स्टॉल होता है खाने पीने का, उसमें अलग अलग वैरायटियों के स्टॉल होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें भी एक स्टॉल बना के दिया जाए, हमें भी ये दिया जाए कि आप यहाँ पे बैठें, आप जो भी भाई बंधु रसोई घर के बारे में जानना चाहते हैं, रसोई घर की और किन औषधियों से कौन सी समस्याओं को दूर किया जा सकता है उसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों की मदद कर सकें। तो ये हमारा एक अभियान है कि हम शिविर लगाएं, स्वदेशी चिकित्सा का शिविर आप कह सकते हैं, रसोई घर भोजनालय नहीं ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान कह सकते हैं। तो हम जन जन तक पहुंचना चाहते हैं, जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला समय चिकित्सा क्षेत्र मतलब बहुत ही विकट होने वाली है। उसका एक सीधा सा उदाहरण है कि पहले हमारे घर में बच्चे पैदा होते थे तो माँ बाप कहते थे बेटी पैदा हुई है, इसकी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ना पड़ेगा, कुछ संग्रह करना पड़ेगा। जिस दिन पैदा होती थी उसी दिन से मतलब माँ बाप के मन में ये चल रहा होता था कि बेटी का ब्याह करना है आगे चल के, तो उसके लिए हम कुछ धन संग्रह करते थे, जो भी हर इंसान अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उस भविष्य में होने वाले एक खर्चे को संग्रह के रूप में आयोजन में संग्रह करते थे। और आज यूं कह लें कि हमारा शरीर इतना खराब हो चुका है, हमारी सोच, हमारी विकृति, हमारी रहन सहन, ये सब इतनी विकृति हो चुकी है कि आज बच्चे को पैदा करने के लिए पैसा चाहिए। पहले बच्चे पैदा होते थे उसके भविष्य के लिए हम समृद्धि बचा के रखते थे, माँ बाप बचाते थे कि बच्चा बड़ा होगा तो इसके लिए बिजनेस करना है या इसको पढ़ाना है लिखाना है, जो भी है डॉक्टर है इंजीनियर है जो भी बनाना है उसके लिए समृद्धि का इंतजाम किया जाता था, समृद्धि बचाई जाती थी। आज बच्चे पैदा करने के लिए समृद्धि का इंतजाम करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़े दुख की बात है। अब मतलब हम लोग थोड़ा कुछ ऐसी चीज जान लेते हैं जो रेगुलर हमें होते रहते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है हमें लोहा कट गया, हम लोग वहाँ डिटॉल लगाते हैं फिर टीटवेक का इंजेक्शन लेते हैं, उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं? देखिए रसोई घर में जब भी कभी कटे तो रसोई घर में ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में हल्दी नहीं है। देखिए सबसे उत्तम फिटकरी, क्योंकि हमने देखा है परंपराओं में कि जैसे हम दाढ़ी बनाते हैं तो नाई हमें फिटकरी लगाता है, तो सबसे उत्तम फिटकरी है। फिटकरी नहीं है तो सबसे सरल जो हर घर में होगा चाहे कैसा भी घर हो उसके घर में हल्दी होनी होनी है। तुलसी के पत्ते होने हैं तो आप हल्दी को लेप लगा सकते हैं, हल्दी का उस पर नींबू रख सकते हैं, उससे खून रुक जाता है, जख्म भर जाता है। सबसे साधारण में उससे उत्तम में अगर चाहे, मैंने कई बार अपने जीवन में अपने ऑफिस के जीवन में ये किया है कि जब भी किसी को चोट लगता था तो चूना लगाते थे। परंपराओं के अनुसार मूत्र त्याग करना, उस पर बाथरूम करना, ये बहुत ही सरल भाषा में जाना जाता था कि चोट लग गई है खून बह रहा है जा भाई मूत्र दे इस पे, अपना पेशाव कर लो, हाँ कटिंग उंगली पे, तो उससे पेशाव आना रुक जाता था और उस पर जलन और दर्द भी कम होने लगता था। तो इस तरीके से कटने पे जो सरल तरीकों में हम कर सकते हैं वो है हल्दी, फिटकरी, थोड़ी सी दूरी पे फिटकरी जो हर घर में हो, आज की डेट में हर घर में हो सकती है, तो फिटकरी लगा सकते हैं, चूना लगा सकते हैं। भयंकर से भयंकर अगर बहुत ही भी ज्यादा कट गया, चूने का ये गुण मैंने देखा है कि जब भी कभी कट जाता था उस पर चूना लगा देने से जब तक वो जख्म पूरी तरह से भर नहीं जाता चूना छूटता नहीं है जी। और होम्योपैथ में अगर औषधियों की बात करें तो कटने पे आप कैंडुला क्यू लगा सकते हैं, मदर टिंचर, और हाइपेरिकम लगा सकते हैं टेटनस से बचने के लिए। हाइपेरिकम 200 पावर की या 30 पावर की, जो भी पावर की उपलब्ध है आपके आसपास के शॉप पे, होम्योपैथ की शॉप पे, तो आप वहाँ से लाएं, 200 की लाएं, 30 की लाएं, दो दो बूंद दिन में 3 से 4 बार 2-3 दिन ले लें तो आगे आपको टेटनस नहीं होगा जी। देखिए जो हम लोग डिटॉल खरीदते हैं वो तो बी एस सी कंपनी, उसके अगर हम हाई पे रिकम खरीद के रख सकते हैं 100 रुपये से कम में आ जाएगा, इसका हमें उम्मीद है जी। बहुत सारी कंपनियां हाँ जी बहुत ज्यादा वो चाहिए तो रिक्वेज में चले जाएंगे, तो आप एस बी एल वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं जो बनाती हैं, तो आप डिटॉल को रिप्लेस कर सकते हैं हाई पे रिकम जब भी कभी आपको होम्योपैथी मदर टिंचर का उपयोग बताया जाए और छोटा बच्चा हो तो उसे 5 बूंद, बड़े हैं तो 10 से 15 बूंद। अगर आपको 3 से 4 दवाइयां मदर टिंचर मिला के लेनी है, जैसे ताकत की दवाइयां हैं या बुखार की दवाइयां हैं जिसमें तालमेल है, उसमें सेंट्रम है, किरायता है, अगर इनकी आपकी मदर टिंचर पड़ी हुई है तो इसकी
15 से 20 बूंद एक बार में खुराक होती है, तो आप तीनों को 15 से 20 बूंद यानी 5 बार बूंद तीनों की डाल दीजिए और उसको चौथाई कप पानी में, मदर इंजर को जब भी पीना हो तो चौथाई कप पानी में मिला के पीना चाहिए, आधे कप पानी में मिला के पीना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी कड़वी ज्यादा होती है, अल्कोहल भी उसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसलिए वो जीभ पे और जुबान पे बहुत तेज लगता है। तो इस तरीके से, और अगर डाइल्यूशन में है 200 पावर है 30 पावर की है तो उसकी 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल लें या 1 चम्मच पानी में डाल लें। नवजात शिशु है जो आज का बच्चा जन्म लिया है उसे माँ के दूध में दे सकते हैं, और किसी भी, जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर कई बच्चे जब पैदा हुए और उन्होंने बाथरूम नहीं किया या किसी तरीके की समस्या आई तो होम्योपैथी एकोनाइट नाम की दवा उसकी 30 पावर की 2 बूंद उसके जीभ पे देने से उसका बाथरूम आ गया। तो इस तरीके से एक दिन के बच्चे को भी जीभ पे भी दे सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं दें, उनको आगे चल के उसे माँ के दूध में मिला के दें या उबाल के रखे हुए पानी में आधे चम्मच पानी में मिला दें और उसकी 1-1-2 बूंद छोटे बच्चे को, तो आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को इस तरीके से दे सकते हैं। तो बड़े को अगर 2-4 बूंद फालतू भी गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो सीधे जीभ पे भी डाल लें तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अपनी शरीर की स्थिति जैसा आपको लगता है, आपको जीभ पे खराब लग रहा है तो ठीक है आप 1 चम्मच पानी में डाल लें या डॉक्टर से मीठी गोलियों में बनवा के लेके आए उसकी 4-6 गोलियां मुंह में डाल के चूस लीजिए, इस तरीके से होम्योपैथी ले सकते हैं। ठीक है, आपसे एक और पूछना रहेगा जो मतलब रेगुलर ही है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को वो आंख वगैरह में घाव हो जाता है, जैसे हमको तो बहुत आता है कभी इधर कभी वो, तो हम लोगों को अंग्रेजी दवा करना पड़ता है और होम्योपैथ में तो अभी मतलब गए हैं इतना जल्दी हमें रिलैक्स नहीं मिला, कभी आपसे तो इसके बारे में पूछे नहीं है, बगल में अगल बगल गए हैं तो लोग गोली देते हैं उससे तुरंत हमें रिलैक्स नहीं होता है और अंग्रेजी में जाना पड़ता है। होम्योपैथ में जो गुहेरी होती है आंखों में जो फुंसी होती है उसका सबसे अच्छा होम्योपैथी जो दवा एस्टिफिग्रिया और हिपर सल्फर, अस्टिफिक्रिया 200 पावर की और हिपर सल्फर 1000 पावर की, 2-2 बूंद दोनों में से कोई एक दवा जो भी आपके पास उपलब्ध मिल जाती है या दोनों मिल जाता है तो आप हिपर सल्फर की 1000 पावर की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम 2-3 दिन ले लें, अस्टिफिक्रिया 200 पावर की 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर 2 बूंद शाम इस तरीके से दिन में 3-4 बार ले लें 2 दिन तो आंखों की गुहेरी खत्म हो जाती है। अब आ जाते हैं कि बिना दवा के गुहेरी कैसे खत्म करें, तो इस गुहेरी को खत्म करने के लिए पुरानी परंपराओं के अनुसार हमने देखा है कि क्या होता है, बेर के पत्ते जो मैंने दादी नानी को करते हुए देखा है, तो बेर के पत्ते 7 बेर के पत्ते लाए, उसे आंखों पे जिस पे है उस पे एक एक पत्ते को सटाएं और आप दरवाजे के बाहर उसे टांग दें, पहले टांगने का रिवाज होता था आप उसे बांध दें किसी तरीके से, कहा जाता है जैसे जैसे वो पत्ता सूखेगा वैसे वैसे आपकी गुहेरी सूख जाती है, और ये पूरी तरीके से परीक्षित है क्योंकि हमने बचपन में किया है और अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले हमारे जो भाई हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार धीरज आर्या, उनकी छोटी बेटी को प्रीति को ये समस्या हुई थी तो उन्होंने बेर के पत्ते का उपयोग किया और उनकी बच्ची मात्र 2 दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, तो आप उसका भी वैदिक चिकित्सा और ग्लोबी न्यूज पे उस बिटिया का वो अनुभव, बिटिया ने खुद ही 6 साल की बिटिया है, उन्होंने अपना अनुभव वीडियो के रूप में शेयर किया है समाज में जागरूकता के लिए, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। इसके अलावा गुहेरी में हमेशा सिकाई करनी चाहिए, अब सिकाई किससे करें, ये उंगली है इसको आपस में रगड़ें, इसमें आप देखेंगे रगड़ते रगड़ते गरमाइश पैदा होगी और इस गरमाइश को ऐसे आंखों पे रखनी है, मुंह की भाप से सिकाई कर सकते हैं, अलग अलग औषधियों के रूप में हल्दी को उड़द अरहर की दाल में पका लें, हल्दी की गांठ को अरहर की दाल में पका लें, उस गांठ को निकाल के फिर उसे घीस के उसको आंखों पे लगाएं, उससे ठीक होता है। एक नहीं हजारों उपचार हैं हमारे रसोई घर में अलग अलग तरीके से, इमली के बीज होते हैं, इमली के बीज को पानी में भिगो दें, पानी में भिगोने के बाद जब वो भीग जाएगा तो उसका छिलका उतर जाएगा, उस छिलके को घीस के आंखों पे लगाएं, उससे ठीक होता है गुहेरी। तो आप जब देखेंगे तो हमारे पूरे भारत में 7 लाख से ज्यादा गांव हैं, हर गांव में हर चीज की परंपराओं के अनुसार अलग अलग उपचार है, यानी आप समझ सकते हैं कि हमारी एक समस्या के लिए जहाँ पे बेर के पत्ते हैं वो बेर से करते होंगे, जहाँ पे कुछ दूसरी चीजें उनसे करते हैं। हमारे एक भाई हैं पवन गौड़ जी अलवर के, उन्होंने एक उपाय बताया था कि आपकी आंखों की गुहेरी हो गई है तो नीचे किसी पैर में काट के खून को बहाना होता है, तो वो भी एक है, वो मेरे पोस्ट में है,
तो क्या मेरा काम है कि जहाँ भी कोई ज्ञान मिलता है, चाहे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, किसी से भी, तो उस ज्ञान को संग्रह करके जन जन तक पहुँचाने का काम। तो हम तो उस भाई का भी अनुभव है कि अगर आपको उंगली बार बार होती है तो उसे पता नहीं कौन सी उंगली है, ध्यान नहीं हो, मुझे पोस्ट में देखना पड़ेगा, तो उसका खून बहा देने से गुहेरी आपको भविष्य में नहीं होती। अब ये होती क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है। हम परंपराओं की बात करें, परंपराओं में तो हमें हमेशा डांट पड़ती थी जब आंखों में हो जाता था, तो कहते थे भाई क्या बात है, किसी का गांड देख लिया, मतलब यहाँ पे शब्द थोड़े खराब लग रहे हैं, आप शब्दों पे ना जाए, परंपराओं के ज्ञान पे जाए। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने मल त्याग करते वक्त मल को नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे सीखने समझने वाली बात है, क्योंकि परंपराओं में हमने सुना था भाई किसी ने किसी का आपने वो देखा है, इस वजह से तेरे को हो गई है, मतलब आपको पाप की सजा मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ अलग कहानी है, जो हम मल त्याग करते हैं उसमें किसी तरीके के कीटाणु या संक्रमण फैलाने वाली है, उसे हमें नहीं देखना चाहिए। बाकी विशेष बहुत सारे उपचार हैं, आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के पोस्ट के द्वारा यूट्यूब चैनल पे तो हम परीक्षित उपचार डालते हैं, और पोस्ट जो होता है पोस्ट पे विशेष जैसे किताबों में राजीव भाई के, आज भी मेरे किसी भाई ने पूछा कि भैया आप जो इतने नुस्खे बताते हैं वो राजीव भाई तो कहीं इतना बताया नहीं आपने। मैंने कहा जी राजीव भाई को उन्होंने भी सुना, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। राजीव भाई की एक बात मैंने सबसे ज्यादा मानी, उन्होंने बोला पुस्तकें हैं अध्ययन करें, ज्ञान है अध्ययन करें, बड़े बुजुर्गों से लिया, आसपास के भाई बंधुओं से लिया। अब जैसे कल पीछे मैं अपनी दोस्त की दोस्त के घर गया था, और उनकी बहन आई हुई थी 60 साल की, हमसे ज़्यादा उम्र की, और 6 बच्चे थे उनके। तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी आप भी बताओ, आपने अपने बच्चों को पाला होगा तो उस वक्त कुछ बुखार की इन सब चीज़ की, तो उन्होंने बताया, तो उसका वीडियो यूट्यूब चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो वहाँ पर उन्होंने एक दस्त का उपाय बताया था कि अगर कभी किसी को बहुत ज़्यादा दस्त हो रहा हो, भयंकर दस्त जो किसी भी दवा से नहीं रुक रही हो, तो बकरी का दूध मतलब लें, एक चम्मच, छोटा बच्चा है तो 5-6 बूंद बकरी का दूध डालें, 1 बूंद नींबू का रस डाल दो, थोड़ा बड़ा है 6 महीने तक है तो आधा चम्मच बकरी का दूध और 2-3 बूंद नींबू डाल दो। तो इस अनुभव को सुनने के बाद मैंने जैसे ही इसे मेरे पास ज्ञान आया, और कुछ दिन बाद ही एक ऐसी समस्या भी आ गई कि 8 महीने की बच्ची को हैवी एंटीबायोटिक देने की वजह से उसका दस्त रुक नहीं रहा था, और काफ़ी दवाइयाँ भी एंटीबायोटिक चली दस्त के लिए, तब भी रुक नहीं रहा था। तो इसी उपचार को करके वो बच्ची मात्र 24 घंटे में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, और वो बच्ची के भी पिताजी ने भी अपना अनुभव शेयर किया, और उसे भी हमने शेयर किया। यानी कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों के ज्ञानों को संग्रह करना पड़ेगा, और उन ज्ञानों पर विश्वास करके अमल करना पड़ेगा। यहाँ बात सिर्फ ज्ञान की नहीं है, ज्ञान को अमल में लाना बहुत जरूरी है, और विश्वास करके, क्योंकि देखिए जी रसोई घर की चिकित्सा पैथी, हम कोई ऐसी चीज को बताते नहीं कि कोई जड़ी बूटी है जो हमें नहीं मालूम उसका गुण धर्म। हम ये नहीं कह रहे हैं आप जंगल में जाकर उस पेड़ को लाए। बहुत सारे भाई बंधु कहते हैं कि मदार के बहुत गुण हैं, मैं मदार का गुण बहुत अच्छा है, जो बैर उपयोग करते हैं हम उनकी बातों को उनके निगरानी में करना चाहिए। जिन औषधियों के दुष्प्रभाव हमारे परंपराओं में बता दिया गया हो, उन्हें हमें किसी अनुभवी के अधीन ही रह के करना चाहिए। लेकिन अपने रसोई घर के मसाले, हल्दी है, मेथी है, सौंठ है, अजवाइन है, लौंग है, दालचीनी है, फिटकरी है, जिन चीज़ों को हम रोज़मर्रा देखते हैं, रोज़मर्रा जानते हैं, उनके बारे में हम खुद भी अपना फैसला ले सकते हैं। वो आप कहीं किसी किताब में पढ़ें तो पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि वो आपकी जानकारी में है, वो ऐसी औषधि है जिसे आप जानते हैं। मतलब मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी विश्वास इसी तरीके से पैदा किया, मैंने किताबों में पढ़ा, उस किताब में लिखी हुई बातों पे विश्वास किया। वहाँ पे जब भी कभी किसी भाई का आता था कि मुझे तकलीफ है, अब जैसे इंडियन माता जी का बताया था कि इनके नाभि में धड़कन नाभि फड़कता था बहुत ज़्यादा, तो हमने जब मैंने उसका अध्ययन करा तो मुझे कहीं मिला कि हींग और उसको लगाने से क्या था, एक चीज अदरक का रस और हींग इसका लेप लगाना था, नाभि में लगाना था, उसको रखना था। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे विश्वास इसलिए हुआ क्योंकि इसमें है क्या भाई, नुकसान क्या कर जाएगा, यहाँ पे चिकित्सा क्यों संभव हो गई, क्योंकि मुझे विश्वास इसलिए हुआ
क्योंकि भाई इसमें ऐसी कोई चीज तो है नहीं, कोई ऐसी जड़ी बूटी, जंगल की बूटी तो मैंने बता नहीं दे रहा हूँ कि जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं या सामने वाले का मालूम नहीं, या कोई ऐसी केमिकल की चीजें तो बता नहीं रहा हूँ। हींग और अदरक है, अगर वो रखते हैं, किताब ये कहता है कि ठीक हो जाएगा और रखेंगे तो ठीक हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक होते तो उनकी बाप दादा की कोई पूंजी तो नहीं बेचवा दी मैंने। मतलब मेरा एक ये भी मानना है कि हम स्वस्थ और समृद्ध, समृद्ध शब्द भी हमारे लिए बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि खून पसीने की कमाई हम मिनटों में नष्ट कर रहे हैं अपना देश में। हाँ, तो इस तरीके से आप कहीं पढ़ते हैं, मतलब मैं इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी भाई बंधु इस चीज को जानते हैं, जहां भी आप पढ़ते हैं और वो पढ़ने वाली चीज में आपको नजर आती है कि आपके रोजमर्रा होने वाली चीजों में से है, तो आप उसका इस्तेमाल करें, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मरने वाले नहीं। अगर कहीं कोई कह दिया कि आपके गले में दर्द है और आप धनिया खा लो, ठीक है, तो आपने नहीं सुना होगा कि धनिया से गले का दर्द ठीक होता है, नहीं होता। आपने सुना होगा कि हल्दी से ठीक होता है या हरड़ से ठीक होता है, और किसी ने कहीं लिखा हो कि धनिया से होता है, तो खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। धनिया खा के ऐसा होगा नहीं, गले का दर्द ठीक होगा, कोई आफत थोड़ी आ जाएगी, कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा। ये बात नहीं है। हाँ, मतलब ये इस चीज मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ इस माध्यम से, जरूरी, क्योंकि हमारा विश्वास कम है। विश्वास अगर होगा तो औषधियों का गुण और उसका प्रभाव हमारे शरीर में बढ़ता है जी। और बड़े भैया एक और चीज़ जो सबसे ज्यादा अभी मार्केट में डिवाइटल का नाम सुने होंगे, लोग लेते हैं डेली एनर्जी के लिए, मतलब बड़े, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जिसको इससे रिप्लेस किया जा सके, मतलब हटा दिया जाए डिवाइटल के लिए, उसको लिया जाए जिससे हमें फायदा हो, क्योंकि हमको लग रहा है कि मार्केट में कोई डिवाइटल ले रहा है, कोई अलग अलग टाइप का कुछ ना, कोई रेडबुल पीता है, रेडबुल भी 100 रुपये एक दिन में खर्च करता है, 600 रुपये डिवाइटल में खर्च कर देता है, फिर दूसरी चीज़ पे खर्च कर देता है, हॉर्लिक्स, मतलब बहुत चीज़ें हैं, नाम इतना ज़्यादा है, इसका मतलब इससे मतलब चीज क्या है। अपने शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ताकतवर, मतलब ताकतवर इन सिर्फ हाथी जैसी ताकत नहीं, ऊर्जावान, थकान ना, हाँ थकान ना हो, ऊर्जावान हो। तो इसके लिए मैं पिछले साल भी जब 2020 में कोविड आया था, बहुत सारे भाइयों ने बोला कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बनाएं, बढ़ाएं और मजबूत कैसे बने, तो मैंने एक सरल तरीके में बताता हूँ कि हमारे मेरा अपना खुद का मानना है, और मैंने खुद अपने जीवन में किया भी है, 18-18 घंटे 20-20 घंटे ऑफिस में काम करते हुए, सोशल मीडिया पे और सब चीज़ें करते हुए, तो सबसे पहले हमारी सोच है, हम जो खा रहे हैं उसमें हमारा इतना अटल विश्वास हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो आदमी अनअफोर्ड है, अनअफोर्डेबल है, जो गरीब है, जो प्याज रोटी, मतलब आज तो शायद नहीं होगा, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो हमारे खेतों में काम करने वाले मजदूर भाई प्याज और रोटी खाने को मिलता था, और वो 4-4 घंटे हल चला लेते थे, सुबह 5-6 बजे हल को लेके जाते थे, खेतों में जोतते थे बैल के साथ, और वो दोपहर में 10 बजे के आसपास हम उन्हें रोटी वगैरह जो भी घर में माँ देती थी हम उन्हें पहुँचाने जाते थे, तो क्या देते तो मुझे मालूम है, तो रोटी और प्याज, रोटी और सब्जी, ऐसी कुछ है सत्तू, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इन दो चीजों से उनको उतनी ताकत थी। हमारे यहाँ सत्तू का प्रचलन, तो कहने का मतलब कि अगर हम सरल बात, ये तो बात ये हुई कि हम अपने भोजन के प्रति विश्वास और श्रद्धा और उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं, और हम अपने भोजन को सात्विक रखते हैं, मतलब उसको और ज्यादा बिगाड़ते नहीं है, क्योंकि पहले का जो भोजन था बनाने का तरीका बहुत अच्छा था, बनाते वक्त नीयत बहुत अच्छी थी, मतलब आज हम बनाते वक्त अगर किसी बहन, मतलब माफ करना अगर कोई बहन और भाई सुन रहे हो, तो घर में खाना बनाते वक्त मुंह में गुनगुनाती रहेगी, मतलब जलती भूनती रहेगी, अगर उसने कहा कि मुझे आज बाहर लेके चलो और बाहर नहीं लेके गए और घर में बना रही है, तो खाने में इस तरीके से दुखी होकर बनाती है, क्योंकि खाना वो प्रसाद का रूप ग्रहण करता ही नहीं, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। जैसे आयुर्वेद में सात्विक, राजसिक, ऐसे मान तामसिक भोजन के बारे में बात करी गई है, मुझे इन सब ऐसी बात, मैं तो सरल बातों में बात करना चाहता हूँ कि आप अपने जो आपको उपलब्ध है, आप जो खा रहे हैं और पचा रहे हैं वो आपके लिए ऊर्जावान है। अगर हम बच्चों की खातिर, जो बड़े जो बच्चे हैं आज के, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने भोजन में जो भी है अपने घर का, एक सिंपल सी चीज कहावत है, चना घोड़ा, घोड़े की शक्ति से नापा जाता है आज हमारी शक्ति को, हॉर्स पावर, आप सभी जानते हैं कि हॉर्स पावर यानी
हमें ताकत, हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा जो नापी जा रही है वो नापी जा रही है घोड़े की ताकत से। तो घोड़े की ताकत मिलती कहाँ से है, ऐसी कौन सी चीज है जो घोड़ा भी खाता है और हम भी खाते हैं, तो वो है जौ और चना। एक जई होता है, एक जौ होता है और चना। तो हम अपने जीवन में अगर चने का प्रयोग करें, अब जिसको जिस तरीके से करना हो, हम सर्दियों में, आपको बताऊं, सर्दियों में हम भुने हुए चने खाते थे, सर्दियों में आग के उपले जलाते थे, आग के उपला उपला जलाते थे और चने रख देते थे, भुरेड़ देते थे और उसको खाते थे और नमक मिर्च लगा के खाते थे। गर्मियों में भिगो के खाते हैं, इसी तरीके से मतलब चने को खाएं, चने को, चने की खीर बना के खाएं, चने का जैसे है रात को चने को भिगो दें, लोग बादाम को दूध में उबाल के पीते हैं, दूध में खाते हैं। ये तो हो गया थोड़े से अफोर्डेबल लोग, जो 30-35% लोग, 40% लोग प्रतिदिन, हो सकता है प्रतिदिन तो हर कोई बादाम भी नहीं अफोर्ड कर सकता है, लेकिन चना, चना जो है हर कोई अफोर्ड कर सकता है। कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 90% की आबादी चने को अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि चने से जो ताकत चाहिए, आपको 2 चम्मच चना चाहिए, रात को पानी में भिगो दें, उसको सुबह पीसें और उसको दूध में उबालें, हलवे की तरह बनाएं और उसको खाएं, तो इससे ताकत बहुत आती है। आपको किसी भी तरीके से रिवाइटल की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, अश्वगंधा लेने की जरूरत नहीं है, शतावरी लेने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेदिक औषधियों की जरूरत है ही नहीं। औषधियों की जरूरत तो तब पड़ेगी जब हम 70 के बाद हों। औषधियां भाई आज के समय में कहूं तो 40 की उम्र तक आपको भोजन पे ही निर्भर होना चाहिए, भोजन से ही ताकत इकट्ठी करनी चाहिए, भोजन से ही सारे रोग खत्म करने चाहिए, और 40 के बाद आपको औषधियों से अपने रोगों को और अपनी ताकत को, 40 से 60 70 हो गए, 70 के बाद फिर आप आयुर्वेदिक की तरफ जाएं, इस तरीके से। तो हमें भोजन को ही औषधि बनाना है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैंने भी जैसे भाई ने पूछा इन भाइयों की जो उम्र है 21 साल की उम्र है, मैं इन्हें बताऊं कि जब मैं 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करता था, उसमें हमें दौड़ लगाना होता था, तो आज के समय में अगर ये बोले तो इनके माता पिता बोलेंगे बेटा बॉर्नविटा ले आ या दूसरी चीजें ला के खा ले, काजू ले ले, बादाम ले ले, छुहाड़े ले ले, नॉनवेज खा लो, इन्हें शायद ये मिल जाए और इनके माँ बाप भी अफोर्ड कर लें। लेकिन हमने अपनी दौड़ की तैयारी बचपन में चने खा के की है, हम चने खाते थे और केला, मतलब कहते हैं ना केला, हमें तो केला भी नहीं अफोर्ड होता था, हम मतलब जो एक समय था, हम उस समय में केले भी, 2 केले भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर हमारे हमारे घर के दादे रिश्तेदारों के घरों में लगा हुआ है या रिश्तेदार हमारे घर आ रहे हैं तो वो लेके आते थे फल, तो हमें फल खाने को मिलता था, और आज हर इंसान फल अफोर्ड करते हुए भी अपने आप को ताकतवर नहीं महसूस कर रहा है। तो क्या कमी है? कमी है हमारी सोच में, हमारी विचारधारा में, क्योंकि हम हर चीज में नकारात्मक घुसते जा रहे हैं, हर चीज में जो चीज है उस एक बच्चों आप लोगों के माध्यम से बताऊं कि हमने कहानी पढ़ी थी लोमड़ी को अंगूर खट्टे हैं, आपने पढ़ी है? वो इसलिए क्योंकि लोमड़ी को अंगूर पहुंच में नहीं था, तो लोमड़ी ने अंगूर को खट्टा कह के अपने आप को संतुष्ट कर लिया, और आज जो हमारी पहुंच में नहीं है वही हमारे लिए अच्छा है, और इसी वजह से हम जो हमारी पहुंच में है उसके प्रति हमारी भावनाएं नकारात्मक हो रही है उसके बारे में। इसलिए जो पहुंच में नहीं है लोमड़ी से सीखिए कि लोमड़ी को अंगूर जब पहुंच में नहीं था तो उसने बोला खट्टे हैं, और आज जो हमारी पहुंच में नहीं है, हम रेड बुल की जो है वो ड्रिंक नहीं अफोर्ड कर सकते, रोज रोज हम बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते, रोज हम अश्वगंधा शतावरी और बतेरे चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, उसी को हम अच्छा मान रहे हैं और उसकी वजह से जो हमें मिल रहा है उसके प्रति हमारी भावना नकारात्मक हो रही है, ये है सरल शब्दों में। और जौ, जौ का दूध बना के पिए, जौ का हलवा बना के खाएं, मतलब बहुत सरल है, मतलब जो मैंने बचपन में हमने किया ऐसा, आज 43 साल की उम्र है, बचपन से आज तक हम अपने माँ बाप को कहते हैं कि मतलब हमें बहुत अच्छा, मतलब जो मिला वो बहुत अच्छा मिला, क्योंकि तो हमारे को संस्कार बहुत अच्छे दिए गए थे। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने माँ बाप की कमी बता रहा हूँ कि हमें रोज फल नहीं दिया जाता था, वो हमारी मजबूरी हो सकती है, मेरे माता पिता की मजबूरी हो सकती है, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे दिए गए, उन्होंने हमें संस्कार इस कदर दिए कि जो मिलता था हम उसे प्रसाद समझते थे। अगर हमने फलों की बात करें, आज
आज भी मतलब राजीव भाई को सुनने के बाद मैंने एक बात को गांठ में बांध ली कि जो हमारे आसपास में होगा वही मेरे लिए अमृत है। जो दूर बैठा केरल में बैठा हुआ नारियल का पेड़ हमारे लिए अमृत नहीं हो सकता, वो हमारे लिए रोज की इस्तेमाल करने की चीज नहीं हो सकती। हम बीमार हो गए, तकलीफ हो गई है तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक दवा के रूप में, एक औषधि के रूप में, लेकिन अगर हमें रोज लेने की चीज है तो हमें आरे आसपास में जो है वही ले सकते हैं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि श्रीनगर में होने वाला सेब आपको रोज यहाँ खा के आप डॉक्टर से नहीं बच सकते। अगर ऐसा होता तो वो सेब का पेड़ यहाँ लगना चाहिए था, प्रकृति को यहाँ उपजाना चाहिए था। अचार अचानक भी ये बात बोल रहे हैं, हाँ जिस मतलब मौसम में हो तो जानो क्या है खाने लायक क्या नहीं, मतलब हाँ अचानक हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि मैं तो अपनी जो विचारधारा, मैं किसी के अपनी विचारधारा दूसरे पे नहीं थोपना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप ऑब्जर्वेशन करें, परीक्षण करें, अपने अपने स्तर पे शोध करें, हाँ शोध करें। आज जो भी बच्चे, आज जो मान लें कि 20 साल का कोई बच्चा देख रहा है, तो आप शोध करें कि गोविंद भाई ने ये बात बोली कि जो हमें मिल रहा है उसी को अमृत की तरह बना के और प्रसाद समझ के, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ के ग्रहण करें तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। भोजन करते वक्त शांति बना के रखें। हम भी इसके तरफ पढ़ लेते बहुत ज्यादा, हाँ, हम भी खाना पीना नहीं खाते थे, सोचते थे हम भी वाइटल भी खाए हैं, हाँ, मीठा भी पिए हैं, हॉर्लिक्स भी पिए हैं। उसके बाद हम एक चीज समझे कि जो मिलेगा दिल से खाना, दिल से खाना ऐसा खाता है, मतलब खाना शुरू होती है 76 किलो से ऊपर चला गया फिट होते हैं। आज भी हम दो ही टाइम खाते हैं, ढंग से खाते हैं, 70 किलो पे डिनर मेंटेन करता है। मैं खुद ही मतलब मैं 97 में दिल्ली आया, 2005 तक अकेले रहा, खुद बना के खाता था, और 2005 के बाद वाइफ आई तो मेरा वजन उस वक्त लगभग 40 किलो रहता था। बहुत सारे सारी चीजें, लेकिन एक्टिव था, इसमें कोई दो राय नहीं कि 40 किलो वजन, मुझे डॉक्टर कहते थे अंडरवेट हो। मैंने कहा जी क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने सारे काम कर रहा हूँ, मेरे से ज्यादा चंचल कोई नहीं। जब मैं 97 की बात कर रहा हूँ तो 5-4 मंजिल की फैक्ट्री होती थी, 5-2 मिनट में 4 मंजिल की फैक्ट्रियों से मेरे मालिक जो होते तो ढूंढते रहते थे गोविंद भैया कहाँ है, तो कोई कहता था ऊपर है तो गोविंद भैया, तो पता चला जी गोविंद भैया तो नीचे स्टोर में पहुंचे हुए हैं। तो मतलब 2-3 मिनट में तो चंचलता थी, ऊर्जा थी, एनर्जी थी, और उसके बाद शादी होने के बाद 22 में भी बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही राजीव भाई को सुना और पानी के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, पानी के नियमों का, तो आज इम्पोर्टेंट है, आज मेरा वजन 56 किलो है। और पानी का जो नियम है, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, और अगर आप मेहनत करने वाले हैं, आप परिश्रम करने वाले हैं, तो आपके लिए जब मर्जी जैसे मर्जी पियो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेहनत नहीं करते, शारीरिक श्रम नहीं करते, उनके लिए सारे नियम मतलब आप ये मान के चलिए कि पालन करने ही करने हैं। उनमें से एक है खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना। खाना खाने से पहले अगर पानी पीना हो तो 40 मिनट पहले पानी पीना, आधा घंटा पहले पी लें। खाना खाने के बीच में अगर कुछ पीना हो तो थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके, 1-2 घूंट अगर फंस गया तो आप ले सकते हैं, या सुबह अगर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की इच्छा हो तो राजीव भाई जैसे कहते हैं कि सुबह आप जूस पिए तो जूस कोई भी। अब जूस का मतलब ये नहीं कि अपने घर की बर्तन बेच दिया, नहीं भाई, नींबू लेके आया, नींबू को आजकल तो नींबू भी महंगा हो गया है, तो मैं तो कहता हूँ भैया कोई बात नहीं, धनिया है, धनिया को पानी में भिगो के रख दो और खाना खाने के बाद आप उसको थोड़ा सा पी लो, धागे की मिश्री रख लिए, गुड़ का पानी बना के पी लिया, मतलब कुछ भी, नमक पानी भी चने के पानी, हाँ चने के पानी में नमक मिला के गुड़ मिला के पी सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद सादा पानी नहीं पीना है, और खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए, खड़े होके पानी ना पिए। और जब हाँ तो जैसे कहते हैं खड़े होके पानी ना पिए, ठंडा पानी ना पिए। अगर आपको कई बार ऐसी मतलब राजीव भाई को मानते हुए भी सामने वाले की परिस्थितियों को देखते हुए अगर कई बार आपको ठंडा पानी पीने की ललक लग भी जाए तो मैं कहूँगा, यही विनती करूँगा कि सिर्फ जीभ को स्वाद चाहिए था, जीभ में ही रखे उसको गर्म कर दो, मतलब ठंडा पानी करते हैं फिर उसके बाद आप नीचे उतारो, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री है तो पेट का टेम्परेचर 37 डिग्री है। जब आप उसको 5 डिग्री टेम्परेचर का डायरेक्ट पानी डालेंगे तो राजीव भाई ने जैसे बताया था वो आप उन्हीं सुन लीजिएगा, उनके शब्दों में बहुत अच्छी बातें हैं। मेरे शब्दों में कहते हैं कि भाई लोहे का बर्तन है और वो गर्म है, उस पर पानी डालोगे तो लोहे का बर्तन धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। जब लोहा कमजोर हो जाएगा तो आते हैं
चमड़े की चीज है, इसको अगर गर्म ठंडा लगेगा तो इसमें विस्फोटन पैदा होगी। तो इस तरीके से ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। सुबह उठते ही मतलब उषा मतलब सुबह उठते ही आप जब भी उठते हैं, अब यहाँ पे आ जाता है कि सुबह उषा काल मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन भैया जो आदमी हमारी सेवा कर रहा है, जो हमारे फौजी भाई रात की ड्यूटी कर रहे हैं, जो पुलिस भाई रात की ड्यूटी कर रहे हैं, जो ट्रेन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रात को चला रहे हैं, तो उनके लिए भी तो सोचना चाहिए। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि जब भी आप उठते हैं तो शौच क्रिया जाने से पहले जितना ज्यादा से ज्यादा एक लीटर, आधा लीटर, सवा लीटर आप पानी पीने की आदत डालें, गुनगुना पानी पीने की आदत डालें तो बहुत बढ़िया। गुनगुना अगर नहीं पी सकते तो तांबे का रखा हुआ पानी सुबह उठ के पी सकते हैं, ये हमेशा पी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बहुत जगह पे आपको इसके लिए तर्क कुतर्क भी मिलेगा कि नहीं जी यहाँ नहीं पीना चाहिए, वहाँ नहीं पीना चाहिए, लेकिन एक टाइम तांबे का पानी रात को रखा हुआ सुबह उठ के हमेशा पी सकते हैं। क्योंकि मैंने इसका परीक्षण अपनी बॉडी पे लगातार 2 साल भी किया है, मुझे कोई नुकसान उसके दुष्प्रभाव नजर मेरी बॉडी पे नहीं पड़ा है। तो जब मेरी बॉडी जो 18 घंटे काम करती थी, अच्छी हमारी खुराक नहीं है, हमारे दाल रोटी खाते हैं, चावल रोटी खाते हैं, जो घर में बनता है वही खाते हैं, कोई अलग से हमारे लिए अलग से पकवान नहीं बनते, हम पकवान भी खाते हैं, समय समय पर पकवान भी खाते हैं। तो इस तरीके से जो मेरा साधारण सा जीवन है, अगर हमारे साधारण से जीवन में अगर एक परीक्षण किया हूं, तो मैं कह सकता हूं कि जब मेरे जैसे को नुकसान नहीं कर सकता तो किसी और स्वस्थ इंसान को तांबे का पानी नुकसान नहीं कर सकता। बड़े भैया जैसा उनकी बात हो रही थी, उनका वेट और जो दूध भी नहीं पचता है उसका भी हम देख लेते हैं कि बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम है कि दूध नहीं पचता होगा, वजन कम है। अब बड़े भैया इनको बताएंगे, वो भी आप लोग देखिएगा और सुनिएगा, हम बताएंगे एक महीने के बाद फॉलो करेगा, उसके बाद एक महीने बाद हम लोग रिव्यू भी बड़े भैया को भेज देंगे, वो वीडियो आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो चैनल है उसमें मिल जाएगा, ये वीडियो भी वही मिलेगा। जो हम दूध किसी को भी ना पच रहा हो, देखिए जी भैंस का दूध है, गाय का दूध है, देसी गाय का दूध, पहले तो संभव प्रयास ये करना चाहिए कि दूध देसी गाय का हो या भैंस का हो। और दूसरा प्रयास ये करना चाहिए कि इन दोनों पशुओं को किसी भी तरह की अप्राकृतिक औषधियों को देकर दूध ना उत्पन्न किया गया हो तो बहुत बढ़िया, बाकी जो मिल रहा है वो अलग बात है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए अपने स्तर पर कि उनको अप्राकृतिक औषधियों से उनका दूध ना बढ़ाया गया हो, ये तो हो गया परहेज मतलब ध्यान रखने वाली बात। उसके बाद दूध, अगर कोई भी दूध अगर आपको नहीं पचता है, चाहे वो भैंस का हो, बकरी का हो, ऊंट का हो, हाथी का हो, हथनी का, मतलब जिस मर्जी का दूध हो और नहीं पच रहा है, तो आप उस दूध में पानी की मात्रा जितना दूध उतना पानी डाल दें, उसको उबाल के फिर उस दूध का सेवन करें, जरूर पचेगा। अगर तब भी नहीं पच रहा है तो आप इसमें सौंफ डाल के उबाल के सेवन करें, आधा पानी, हाँ, और उसमें सौंफ डाल के, सौंफ अपनी इच्छा के अनुसार, किसी को सौंफ का स्वाद अच्छा ना लग रहा हो तो थोड़ा डाल लो, अच्छा लग रहा है तो ज्यादा डाल लो, आधा चम्मच एक चम्मच डाल के उसको उबाल लें। छोटे बच्चे को दूध नहीं पच रहा हो तो उनको भी इसी तरीके से दे सकते हैं, छोटे बच्चों में जायफल को डाल के दूध उबाल के देना चाहिए, उससे छोटे बच्चों को नवजात शिशुओं को दूध बहुत अच्छा पचता है। तो बड़ों के लिए दूध पचाने का सबसे सरल उपाय कि जो दूध नहीं पचता है सबसे पहले दिन तो उसको आधा पानी आधा दूध करके उबाल दें, और ऐसा नहीं कि उसको आधा करके आधा करना है, नहीं, एक गिलास दूध आपको लेना है, आप लेने की इच्छा रखते हैं तो आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी डाल के उबाल दें, अच्छे से उबाल आ जाए फिर उस दूध का सेवन कीजिए। तब भी अगर वो दूध नहीं पच रहा है तो उसमें सौंफ डाल के उबाल के उसको सेवन करें, जरूर पचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि दूध नहीं पचेगा। और एक जैसे बड़े भैया बता रहे थे ना, इसको गैस हो जाता है चना से, तो बड़े भैया बता रहे थे अभी उसको पीस के मतलब उसको हलवा की तरह, हाँ, हाँ, वो चने जैसे इन्होंने बोला कि मैंने चने खाने के लिए बोला, तो कहते हैं चना खाने से गैस बनता है, तो आप चने को रात को पानी में भिगो दें। चने खाने के अलग अलग विधि है, सुबह गुड़ के साथ खाएं, प्याज है, काला नमक है, नींबू है, इस प्रकार मिला के खाएं। अब जिसको चना खाया गैस बन रही है, तो सबसे पहले गैस नाशक औषधि क्या है हमारा, और पचाने में जो सबसे जल्दी पचाता है, राजीव भाई के कथना अनुसार हम जो कुछ भी खाते हैं उसके बाद अगर हम गुड़ खाते हैं तो हम गुड़ पहले पचता है और बाकी चीज़ों को पचाने में मदद करता है। और अगर हम चीनी खाते हैं, यहाँ पे एक बात आती है राजीव भाई के व्याख्यान में ही मिल जाएगा, चीनी खाते हैं तो आपने जो खाया और वो पचा, उस पचने से जो एनर्जी पैदा हुई वो एनर्जी आपकी चीनी को पचाने में खर्च होती है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को पचाना चाहते हैं तो आप खाना खाने के बाद गुड़ खाएं, या जिस चीज़ के साथ अगर आप उसको दुष्प्रभाव को नष्ट करना चाहते हैं तो आप उसके साथ गुड़ मिला के खाएं, मूंगफली गुड़ खाने का रिवाज है। आपने
मूंगफली गुड़ की पट्टियां मिलती है, चिक्की मिलती है, वो चीनी के साथ आज लोग बनाते हैं सुंदरता की वजह से, लेकिन चिक्की जो मिलती है ना वो मिलती है गुड़ की ही। तो मूंगफली कई लोगों को बादी करता है। आप कई बार आप अपने खुद अनुभव कर लें, आप एक कटोरी मूंगफली लें चाहे वो कच्ची या भुनी हुई, किसी को कच्ची भी नुकसान करती है, किसी को भुनी भी नुकसान करती है, किसी को दोनों नुकसान करता है अगर मात्रा ज्यादा हो गया तो आप एक कटोरी लें और खाएं, और अगले दिन अगर उससे आपको नुकसान हुआ है अगले दिन उसी एक कटोरी में एक ही कटोरी मात्रा रखें। मतलब ये मात्रा समझाने का तरीका बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि किसको कितना है। तो एक कटोरी में गुड़ और मूंगफली दोनों मिला के खाएं, आपको फर्क पता चल जाएगा कि गुड़ की वजह से कितना फर्क पड़ गया। तो इस तरीके से चने का इस्तेमाल गुड़ के साथ करें। चने का इस्तेमाल अब जैसे मान लिया कि उनको तब भी दिक्कत आ रही है, गुड़ से भी दिक्कत आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमारे हाथ कंगन को आरसी के हम खुद अपने ऊपर कर सकते हैं। अगले दिन प्याज काटा, नमक नींबू मिलाया, काला नमक मिलाया, नींबू मिलाया, भुने हुए जीरे, भुने हुए अजवाइन इनका पाउडर डाला और उसको खाया। जैसे पहले हमारे यहाँ क्या बोलते हैं चने को बेचते भी हैं बहुत सारे गाँव में, क्या बोलते हैं भीगे हुए चने ट्रेनों में मिलता है, बिहार की ट्रेनों में भी बहुत मिलता है, तो उस तरीके से आप खाएं। अगर इससे भी दिक्कत हो रही है, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से भी खाने से अगर चना आपको दिक्कत कर रहा है और गुड़ के साथ खाने से भी दिक्कत कर रहा है, तो अगली बार अगर आपको चना खाना है तो चने का हलवा बना के खाएं। यानी रात को चने को भिगो दें, सुबह उसको पीस लें, थोड़े से घी डाल के दूध डाल के उसको अच्छे से उबाल लें बढ़िया सा, उसमें थोड़ा स्वाद के अनुसार गुड़ वगैरह मिश्री वगैरह खांड वगैरह डालें और उसके बाद उसको खाएं। ये आपकी ताकत, अगर आप चने को ताकत के रूप में लेना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लें। इससे भी अगर दिक्कत होती है, देखो होगा क्या, कम से कम 2-4-5-10 दिन बाद ही पता चले, 2-4-10 दिन, तो 2-4 दिन के लिए तो कुछ तो चना गया जी भाई, जिस दिन नुकसान करना होगा उस 10 दिन के बाद करेगा। यानी आपने 9 दिन तो चना खा के आपने उसका फायदा ले लिया, अगले 10 दिन फिर छोड़ दो, फिर 10 दिन कर लो। ये भी एक तरीका है कि अगर आपने चना खाया और 2-3 दिन तक आपको चना ठीक लग रहा है, 5वें दिन से आपको दिक्कत कर रहा है, ये चना ही नहीं किसी भी घरेलू औषधियों के बारे में भी आप इस तरीके से ही प्रयोग कर सकते हैं, जिस चीज से आपको जिस चीज का फायदा लेना है और आप ले रहे हैं और 5 दिन बाद उसका दुष्प्रभाव नजर आ रहा है, तो अगली बार 5 दिन छोड़ के 4 दिन ही कर लीजिए, 3 दिन ही कर लीजिए, तो वो चीज आपके शरीर में पूरी तरह से लगेगी और शरीर उसका फायदा उठा पाएगा। जैसे अजवाइन है, कई लोग अजवाइन कहते हैं जी मुझे खाने से दिक्कत होती है, तो ठीक है जी आप एक पहले दिन दिक्कत होती है नहीं जी 2-3 दिन बाद होती है, तो आप 1 दिन ले लो, फिर 5 दिन बाद फिर 1 दिन ले लेना, तो आपको जो अजवाइन का जो गुणधर्म आपकी बॉडी को चाहिए वो मिल जाएगा। और अजवाइन के गुणधर्म दुष्प्रभाव को नष्ट करने वाला जो काला नमक और गुड़ है और अजवाइन को सेक किया है, ये आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये चीजें हमें जानना पड़ेगा, अपने अपने शरीर पे भी पहचानना पड़ेगा कि कौन सी चीज हमारे शरीर को कैसे सूट कर रही है और कैसे नुकसान कर रही है। क्योंकि अब समय ये आ चुका है कि हमें अपने शरीर को और अपने भोजन को पहचानना ही पड़ेगा। नहीं पहचानेंगे तो आप ये मान के चलें कि आज आपके बाप दादा जो कमा के रखे हुए हैं या कमा रहे हैं या भविष्य में आप जो धन अर्जन करेंगे वो सारा का सारा आपको चिकित्सा पे खर्च करना पड़ ही जाएगा। पहले के हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए बहुत कुछ जोड़ के गए, बना के गए, किन्होंने जमीन बना के गए, किन्होंने घर बना के गए, कोई बहुत सारी चीजें करके गए, लेकिन आज हम उन्हीं बाप दादाओं की बनाई हुई संपत्ति को चिकित्सा के ऊपर नष्ट करते जा रहे हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपने भोजन को और अपने शरीर को पहचानने का प्रयास कर ही नहीं रहे। जो जैसा बोलता है उसकी मानते हैं, हम खुद से अपना दिमाग नहीं लगा रहे। नहीं कह रहे कि गोविंद भाई ने बोला, राजीव भाई ने बोला, बागवत जी ने बोला, चरक संहिता ने बोला, अष्टांग हृदय ने बोला, उसको हम करें, नहीं, अपने शरीर को ऑब्जर्व करें। क्योंकि 800 करोड़ की आबादी ब्रह्मांड में है और हर वक्त हर पल हमारे वातावरण में हवा, गर्मी, ठंड बदलती रहती है, तो आपके शरीर का भी हर किसी का अपना अपना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने आप को डरा हुआ महसूस करना है, नहीं, शेर बनके मरे हुए शेर को भी कोई हाथ नहीं लगाता। यानी हमारी सोच शेर जैसी होनी चाहिए, निडरता होनी चाहिए, निडर होते हुए आप अपने ऊपर रिसर्च करें। वंदे मातरम। और विशेष जो वाला जो बता रहे थे तो बता ही दिए आप। हाँ जी, बस इतना ही था हम लोगों का।
और कोई क्वेश्चन ध्यान में नहीं आ रहा अभी। बाकी विषय फिर मिलते हैं, लेकिन आप जो देख रहे हैं अभी ये खाली खाली सा स्वस्थ समृद्ध परिवार का केंद्र अभी 5 दिन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के आशीर्वाद से हर गांव में ऐसे भाई बंधु बहन बेटी स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार के रूप में पैदा होंगी, यानी हर घर में स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार होंगे, क्योंकि उनका उनकी एक विचारधारा होगी कि हम अपने परिवार को कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रखें प्राकृतिक औषधियों से, अपने भोजन से। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।